एन ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ इज इक्वल्स टू 150 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई एट इज अप्लाइड टू एन ए सी सर्किट। इफ द करंट इन द सर्किट इज आई इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई एट, कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। नाउ इम्पिडेंस होता है जेड इज इक्वल्स टू, और इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, इम्पिडेंस होता है आपका वी, जो भी ओवरऑल दे रखा है, वी नॉट बाय आई नॉट भी लिख सकते हैं आप, एंड वी नॉट इज गिवन एज 150, आई नॉट इज 10, इन्हीं को डिवाइड कर देना, 15 ओम्स आपका इम्पिडेंस आ गया, तो हो गया पावर फैक्टर होता है आपका, पावर फैक्टर इज कॉस फाई। सो नाउ व्हाट इज फाई, दैट इज अ फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज। हम देख सकते हैं कि यहाँ करंट जो है आगे है, तो कैपेसिटर सर्किट है, सो फाई जो होता है फेज डिफरेंस होता है, दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई एट, जो कि करंट का फेज है, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई एट, सो आई गेट पाई बाई 4, एंड देन कॉस पाई बाई 4 विल बी 1/√2, दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन।